होता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया होता है अभी तक। सेम जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इसीलिए बोला जाता है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना वो सबको ज़रूर बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इन वीडियोज़ को, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचेंगे, लोगों को प्रोडक्ट को समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा और मार्केट को टारगेट करना आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, विच इज़ बेरी प्लस। दिस बेरी प्लस इज नेम्ड एज 174 बेरीज के नाम से ये प्रोडक्ट आता है एंड दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली नाइस विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड एंटी ऑक्सीडेटिव नेचर का ये प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। जब हम अलग अलग तरीके के पोल्यूटेंट से लड़ते हैं, अलग अलग तरीके के हमारी बॉडी के अंदर डैमेजेस होते हैं हमारी सेल्स को यूवी रेडिएशंस की वजह से या स्मोकिंग जैसी चीज़ों की वजह से या बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से या एयर पोल्यूशन जैसी चीज़ों की वजह से या खाने की वजह से, तब हमारी सेल्स का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और उस सेल के डैमेज को करने वाली चीज़ें होती है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स आपकी हैप्पीली स्टेबल सेल को बिल्कुल अनहैप्पी बना देते हैं, आपकी सेल्स से यूज़फुल चीज़ें जितनी भी हैं उनको लीक कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर ये आपकी सेल है, फॉर एग्जांपल वैसे ये एटम है, बट अगर ये कोई सेल है मान लीजिए, और ये फ्री रेडिकल अगर आपकी सेल के अंदर घुसता है तो ये सेल्स को डैमेज कर देता है, और सेल्स को जैसे ही ये डैमेज करता है तो इस सेल का जितना भी यूज़फुल मटेरियल है सारा का सारा लीक होने लग जाएगा। और जब यूज़फुल मटेरियल लीक होता है, मान लीजिए घर में से जब यूज़फुल चीज़ों की चोरी होती है, तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि हमारी चीज़ें वापस मिल जाएं। सो सेम गोज़ विद शरीर भी, हमारी बॉडी के साथ भी यही चीज़ जाती है कि जब भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेटिव चीज़ों की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो हमारे सेल्स को रिपेयर करने में हमारी हेल्प कर पाएँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी चीज़ों से हमारी बॉडी की रिवाइव कर पाएँ कंडीशंस को, और हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स से बचा पाए, अलग अलग बीमारियों से बचा पाए। सो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में जितनी जगह पे लीकेज की वजह से या जितनी जगह पर सेलुलर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, वहाँ पर जुड़ जाते हैं एक तरीके से। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो आपकी सेल के लिए गम जैसे हैं, फेविकोल जैसे मान लीजिए आप, जो कि आपके सेलुलर डैमेज को रिपेयर करते हैं और सेल्स के स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देते। अब आपके सेल्स के स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देंगे तो यूज़फुल मटेरियल आपकी सेल्स के अंदर रहेगा, और अगर यूज़फुल मटेरियल आपकी सेल्स के अंदर रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। बेरीज की अगर मैं बात करूँ तो बेरीज को सबसे ज़्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेटिव नेचर का मानते हैं, इसको एक ऐसे फ्रूट की कैटेगरी मानते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के मामले में, आपकी हेल्थ को बनाए रखने के मामले में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करती है। और एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो एक कप बेरीज का आपको, यानी मिक्सचर ऑफ बेरीज का एक कप, जो कि इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए, सोचिए एक कप बेरीज, हम रोज़ दिन में हमें एक कप बेरी भर के, चाहे वो रॉ फ्रूट हो, चाहे वो जूस है, चाहे वो स्मूदीज है, चाहे वो जैसे भी है, एक बड़े वाला जो कप होता है, मग जिसे हम कहते हैं, उतनी बेरीज हमें चाहिए हमारे शरीर की दिन भर की बीमारियों से हमें बचाने के लिए। तो इतनी सारी बेरीज को, मग भर के बेरीज को तो हम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे एक्सट्रैक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो जिनको इतनी सारी बेरीज का प्रयोग करते हुए निकाला गया है स्पेसिफिकली, और एक बॉटल के अंदर पैक करके आपके सामने ला दिया है बेरी प्लस की बॉटल को, जिसको आपको 30 ml कंज्यूम करना है दिन में दो बार, और आपकी बॉडी के लिए बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की पावर आपको मिलती है। नंबर ऑफ बेरीज का एडिशन इसके अंदर है, और अलग अलग बेरीज का अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी कि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स, यानी कि वो टॉक्सिन्स जिससे आपकी सेल्स को डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा असाई बेरीज के अंदर वैल्यू होती है आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देने की, और एक वैल्यू सबसे ज्यादा असाई बेरी की है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अलग अलग बेरीज की अलग अलग वैल्यूज हैं। दिस इज माइक्रोमोल ट्रोलॉक्स मॉलिक्यूल्स, ये यूनिट है इसको मेजरमेंट करने की, पर 100 ग्राम्स के अंदर इतनी सर्विंग होती है इसकी। दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बेरीज जो कि बेरी प्लस के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें असाई बेरी, ब्लू बेरी, रैस्पबेरी है, क्रेनबेरीज है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ, आप
कुछ भी, चलिए मान लीजिए मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया है, कोई भी बुक मैं पढ़ती हूँ, और क्या आप जब लास्ट में चले जाएं उस बुक के तो आप उस बुक को पूरा समझ पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। हमें पेज नंबर 1 से पढ़ना पड़ता है किसी पर्टिकुलर बुक के अंदर एक्चुअल में क्या है ये समझने के लिए, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर एक एक पेज की अपनी वैल्यू है इतनी ज़्यादा, तो सोचिए एक एक बेरी की अपनी इतनी सारी वैल्यू होंगी आपकी हेल्थ के लिए, तो सिर्फ एक सिंगल बेरी का कंज्यूम करते हुए आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक सिंगल बेरी से ही आपकी बॉडी की सारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी, अनटिल अनलेस कोई ऐसी बेरीज ना हो जो कि एक नई स्पीशीज़ हो, कोई नई जेनेटिक या मिक्सचर स्पीशीज़ हो, इस तरीके की स्पीशीज़ हो जिसको साइंटिफिकली प्रिपेयर किया गया हो, जिससे आपके लिए बीमारियों से लड़ने की पावर हो। सो एवरी बेरी, सिंगल बेरी, अगर मैं किसी की भी बात करूँ, हर एक बेरी का अपना एक वैल्यू है, अपना एक ओरैक वैल्यू है, अपना आपके शरीर को देने का अपना तरीका है ताकत देने का। तो सिंगल सिंगल बेरीज की अगर इतनी ज़्यादा वैल्यू है, तो जो मिक्सचर ऑफ बेरीज आपके सामने बेरी प्लस है, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यूज आपके लिए होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब दूसरी बेरीज की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट बेरीज की अगर मैं बात करूं अब आपसे, विच इज ब्लैकबेरी है, गूसबेरी है, बिलबेरीज हैं, गूजी बेरीज हैं, ये डिफरेंट तरीके की बेरीज के नाम है स्पेसिफिकली जो बेरीज इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। मैंगोस्टीन सबसे बड़ी खास बात और एक नई और एक यूनिक बात है इस प्रोडक्ट की, जिसके अंदर मैंगोस्टीन को भी ऐड किया गया है। मैंगोस्टीन एक बहुत अच्छा फाइबरस फ्रूट होता है और आपकी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने, इम्यून सिस्टम को डैमेज होने से बचाने के लिए, बहुत सारे इश्यूज से प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट करता है, और बहुत रिच सोर्स है वो मिनरल्स का, जो आपकी बॉडी की अलग अलग कमियों को पूरा करने में आपका सपोर्ट करता है। कुछ इस तरीके का फ्रूट दिखता है ये, मैंगोस्टीन की पिक्चर भी मैंने इसलिए यहाँ शेयर की है, कुछ इस तरीके का फ्रूट है, जैसे चुकंदर होता है, चुकंदर का जैसा कलर होता है वैसे से इसका कलर होता है, और इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है ये। स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, ड्यूबेरीज, अदर सॉर्ट ऑफ बेरीज हैं। स्ट्रॉबेरी जैसी चीज़ जो वाइटामिन सी के लिए बहुत अच्छी, यानी बेरीज अगर वाइटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है ना, तो वो आपके शरीर के लिए स्पेसिफिकली स्किन से लेकर आपकी बॉडी इंटरनल हो या एक्सटर्नल पार्ट्स हो, सभी के सभी ऑर्गन्स में सपोर्ट करती है। एसीरोला चेरीज स्पेसिफिकली वाइटामिन सी से रिच होती है, और वाइटामिन सी टैबलेट्स आप बहुत सुनते होंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करने में आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक आप एलोपैथी टारगेटेड मेडिसन्स को जब यूज़ करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, आपका शरीर उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जनरल जो मेडिसन्स होते हैं, जैसे पैरासिटामोल है, कॉम्बीफ्लैम है, डाइक्लोफेनाक है, ऐसी चीज़ों का असर नहीं होता कोई भी, वो खाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई टॉफ़ी, कोई गम, इस तरीके की कोई चीज़ खाई है, उन्हें उसका कोई असर नहीं होता। आई एम सच सॉर्ट ऑफ पर्सन जो पैरासिटामोल का मुझे कोई असर नहीं होता है, सो आई एम रेजिस्टेंट टू पैरासिटामोल बिकॉज ऑफ माई सर्जरी, मेरी सर्जरी के बाद से पैरासिटामोल से रेजिस्टेंट हूँ मैं। इसी तरीके से जब कंटिन्यू पैरासिटामोल का मुझे इंजेस्ट कराया जाता था अपनी सर्जरी के ड्यूरेशन में, आज से बहुत साल पहले, तब पैरासिटामोल के लिए रेजिस्टेंस हो जाना, यानी आपके लिए कई बार ऐसा होता है कि जो एलोपैथी मेडिसिंस हैं, जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट कंसल्टेशन कंटिन्यू यूज़ करते रहोगे, कंटिन्यू आप विटामिन सी टैबलेट्स, कंटिन्यू आपने जिंक सोर्स की कोई टैबलेट्स यूज़ की, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसीलिए बेटर ये है कि नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करिए, रॉ सोर्सेज को यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपके लिए कोई इशूज़ क्रिएट ना हो। सो अगर विटामिन सी बेस्ड भी मैं बात करूँ, विटामिन सी की बात आई थी यहाँ पे तो मैंने शेयर किया, विटामिन सी की टैबलेट्स बहुत लोग कंज्यूम करते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, कैल्शियम की टैबलेट्स
एलोपैथी टैबलेट्स बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। मल्टी वाइटामिन की एलोपैथी मेडिसिन जो होती हैं, मैं हर्बल मल्टी वाइटामिन एम की बात नहीं कर रही हूँ, जो मल्टी वाइटामिन की एलोपैथी मेडिसिन आते हैं उसको भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी मत यूज़ करिए, क्योंकि लंबे टाइम तक यूज़ करने से आपके शरीर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो चीज़। बट अगर आप नेचुरल और हर्बल चीज़ों को यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है वो चीज़। ये फ़र्क हो जाता है एक ड्रग टारगेटेड मेडिसिन के अंदर और हर्बल सप्लीमेंट्स के अंदर। सो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात हम करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आपसे डोज शेयर कर देती हूँ इसकी। 30-30 ml दिन में दो बार आपको इसको यूज़ करना है। आप इसको बिना किसी चीज़ के मिक्स किए भी कंज्यूम कर सकते हो, आप इसको पानी के साथ ले भी सकते हो, दोनों तरीक़ों से आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट।